हेलो गाइस, सो टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर 4 अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, रिटन बाय पैट्रिक प्रिंजल। पैट्रिक प्रिंजल एक वेल नाउन बायोग्राफर हैं, जिन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन की बायोग्राफी द यंग आइंस्टाइन लिखी है। ये जो चैप्टर है ये उसी का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, एक छोटा पार्ट है। सो वी विल कंटिन्यू इस चैप्टर में। वो आइंस्टाइन के स्कूल डेज के बारे में बता रहे हैं, एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन लास्ट वीडियो। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप। अपने जो रहने की जगह थी, अपना जो घर था, वहाँ वापस जाने में उन्हें कोई खुशी नहीं हुई, या उन्हें कोई खुशी नहीं हो रही थी। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर। उनके पिता के पास इतने कम पैसे थे खर्च करने के लिए, दैट अल्बर्ट हैड बीन फाउंड ए रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर ऑफ म्यूनिख। कि अल्बर्ट को एक जो म्यूनिख शहर है उसके जो सबसे गरीब क्वार्टर्स हैं उनमें एक कमरा मिल पाया था। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कम्फर्ट। वो जो बुरा खाना था और जो लैक ऑफ कम्फर्ट थी, यानी जो आराम की कमी थी, ही डिड नॉट माइंड। उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं थी या इससे कोई दिक्कत नहीं थी। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कम्फर्ट। उन्होंने जो बुरा खाना था और जो लैक ऑफ कम्फर्ट था उसे माइंड नहीं किया। और इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर्स। डर्ट होता है जो मिट्टी, स्क्वेलर मीन्स होता है कुछ फिल्थी गंदगी जो होता है, और गंदगी और जो फिल्थीनेस थी उससे भी उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। बट ही हेटेड द एटमोसफेयर ऑफ स्लम वायलेंस। पर जो स्लम वायलेंस था, वहाँ का जो एटमोसफेयर था स्लम वायलेंस का, उससे उन्हें काफ़ी नफरत थी। स्लम वायलेंस, स्लम होता है जो गंदी बस्ती होती है, झुग्गी झोंपड़ी वगैरह, गंदी बस्ती होती है जहाँ। वायलेंस मीन्स जो हिंसा होती है, मारपीट होती है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को वहाँ की जो झुग्गी बस्तियों की और गंदी बस्तियों की जो मारपीट थी उससे काफ़ी नफरत थी या परेशानी थी। हिज लैंड लेडी बीट हिज चिल्ड्रन रेगुलरली। उनकी जो लैंड लेडी या उनकी जो मालकिन थी जहाँ वो किराए के कमरे में रहते थे, हिज लैंड लेडी बीट हिज हर चिल्ड्रन रेगुलरली। तो उनकी जो लैंड लेडी थी वो अपने बच्चों को रेगुलरली पीटती थी। And every Saturday her husband came drunk and bitter. और हर सैटरडे को उनके जो हस्बैंड आते थे और वो उन्हें पीटते थे। But at least you have a room of your own. पर कम से कम तुम्हारे पास अपना कमरा तो है। Which is more than I can say. ये काफ़ी है मेरे हिसाब से, said Yuri. Yuri ने ये बात कही। When he called round in the evening. जब वो शाम को Yuri से मिलने गए। Yuri उनका फ्रेंड है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। तो जब शाम को वो उससे मिलने गए तो यूरी ने कहा कि तुम्हारे पास कम से कम अपना एक कमरा तो है रहने के लिए, और मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी है। एट लीस्ट यू लिव अमॉन्ग सिविलाइज ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सेड अल्बर्ट। तो इसके रिप्लाई में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूरी से कहा कि कम से कम तुम जो सिविलाइज ह्यूमन बींग्स हैं, यानी कि जो सभ्य इंसान है, सभ्य नागरिक हैं, इवन इफ़ दे आर ऑल आर पुअर स्टूडेंट, हालांकि वो गरीब स्टूडेंट हैं, गरीब बच्चे हैं, पर वो सभ्य हैं, तो तुम उन लोगों के बीच में रहते हो, सभ्य लोगों के बीच में। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह कहा। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज, यूरी रिप्लाइड। तो यूरी ने रिप्लाई किया कि वो सभी सभ्य नहीं है, वो सभी सिविलाइज नहीं है। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन ए ड्यूल। तो क्या तुमने नहीं सुना, यूरी अपने अल्बर्ट आइंस्टाइन से कह रहा है कि क्या तुमने नहीं सुना कि उनमें से एक तो मारा गया पिछले हफ्ते इन ए ड्यूल। ड्यूल होता है जो फिस्ट फाइट या वन टू वन फाइट होती है, स्ट्रीट फाइट। सो दो लोग जब आपस में लड़ते हैं, ड्यूल फाइट होती है वो। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन ए ड्यूल फाइट, इन ड्यूल। तो क्या तुमने नहीं सुना कि उनमें से एक तो मारा गया है ड्यूल फाइट में। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन वो किल्ड हिम। अल्बर्ट आइंस्टाइन पूछ रहे हैं कि उसका क्या हुआ जिसने उसे मारा है। नथिंग ऑफ कोर्स, कुछ भी नहीं। ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट, उसे तो इस बात पर गर्व है। ही ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूरी से पूछा कि जिसने उसको मारा है उसका क्या हुआ। तो यूरी ने रिप्लाई किया कि कुछ नहीं हुआ उसका। ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट, वो तो इस पर प्राउड कर रहे हैं। ही ओनली वरीज, तो उसकी एकमात्र चिंता ये है कि जो अथॉरिटीज़ हैं, यानी कि जो पुलिस हैं या जो भी प्रशासन है, उसने उससे कहा कि अब और ज़्यादा फाइट नहीं कर सकता तुम, नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स, कि और जो और आपसी फाइट होती है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, उसके लिए मना किया उसे। ही इज़ अपसेट अबाउट दिस, और वो उसके बारे में अपसेट है,
या नाराज है उसके बारे में, बिकॉज ही हैज़ नॉट ए सिंगल स्कार ऑन हिज फेस, क्योंकि उसके चेहरे पर एक भी स्कार नहीं है, एक भी चोट का निशान नहीं है। टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज ए बैज ऑफ ऑनर, उस चोट के निशान को वो अपने चेहरे पर एक बैज ऑफ ऑनर की तरह रखता पूरी ज़िंदगी। तो वो कह रहा है कि वो तो अपसेट है या वो काफ़ी गुस्से में है, नाराज है कि उसके चेहरे पर एक भी चोट का निशान नहीं है पूरी ज़िंदगी, ये एक बैज ऑफ ऑनर के रूप में दिखाने के लिए या एक सम्मान के प्रतीक के रूप में, एक सम्मान पदक के रूप में दिखाने के लिए कि उसने किसी से मार खाई है, पीटा है, मारपीट में शामिल हुआ है, वो उसने फाइट की है। ओह एक्सक्लेम अल्बर्ट, अल्बर्ट ने ये नफरत से कहा, यह बात एक बार डिस्कस्टिंग डिस्कस्ट वर्ड से कहा है। एंड दोज दीज आर स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट हैं। तो अल्बर्ट ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये सब बातें सुन के कहा है कि ये स्टूडेंट हैं इस टाइप के। वेल यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी। यूरी ने रिप्लाई किया कि तुम भी एक दिन स्टूडेंट बन जाओगे या स्टूडेंट होगे एक दिन। आई डाउट इट, सेल अल्बर्ट ग्लूमिली। अल्बर्ट ने ये सैडली, ग्लूमिली मीन उदासी के साथ, सैडली अल्बर्ट ने सैडली कहा कि आई डाउट इट, मुझे शक है इस बात पे या मुझे डाउट है। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्ज़ाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा, मैं नहीं सोचता कि मैं ये स्कूल डिप्लोमा का जो एग्ज़ाम है ये कभी भी पास कर पाऊँगा या क्लियर कर दूँगा इसको। ही टोल्ड हिज कज़िन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू मुनियक, यही बात उन्होंने अपनी कज़न एल्सा से भी कही जो कि मुनियक आई थी, जो अगली बार जब वो मुनियक आई तो उन्होंने अपनी कज़न एल्सा से भी यही बात कही थी सेम, कि उन्हें नहीं लगता कि वो कभी भी एग्ज़ाम पास कर पाएंगे स्कूल डिप्लोमा के। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन वेयर हर फादर हैड ए बिजनेस, नॉर्मली जो एल्सा थी वो बर्लिन में रहती थी जहाँ पे उनके फादर का बिजनेस था। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम अल्बर्ट इफ़ यू ट्राई, शी सेड। एल्सा ने उससे कहा था कि आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम, कि मैं पक्का हूँ कि तुम इतना तो सीख लोगे या इतना तो पढ़ पाओगे कि तुम एग्ज़ाम क्लियर कर लो। अल्बर्ट इफ़ यू ट्राई, शी सेड। अल्बर्ट अगर तुम ट्राई करोगे, उसने कहा। आई नो लॉट्स ऑफ बॉय हु वर मच मोर स्टूपिड देन यू आर, एल्सा ने कहा कि मैं जानती हूँ ऐसे बहुत से मूर्ख बच्चों को जानती हूँ जो तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड हैं या तुमसे भी ज़्यादा मूर्ख हैं, हु गेट थ्रू, वो इससे निकल जाते हैं यानी वो पास कर जाते हैं एग्ज़ाम्स। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, वो बच्चे कहते हैं कि जो पास कर जाते हैं एग्ज़ाम, कि यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, तुम्हें कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू आर टॉट जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्ज़ाम, जो भी तुम्हें पढ़ाया गया है या जो भी तुमने सीखा है उसे बस रिपीट करना आना चाहिए एग्ज़ाम में, यानी रट के लिख दो बस उसे रट्टा मार के। दैट्स द होल ट्रबल, सैड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा कि यही तो सारी समस्या है या यही तो समस्या की बात है, ट्रबल यही है। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट, मैं रट्टा मारने में अच्छा नहीं हूँ। लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट मीन्स किसी बात को याद कर लेना, रट्टा मार लेना। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट, यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, ऐसा कहने कि तुम्हें इसमें अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है। एनी वन कैन लर्न लाइक ए पैरट, तोते की तरह कोई भी सीख सकता है या तोते की तरह कोई भी रट लेता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, बस कोशिश मत करो ज़्यादा। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद ए बुक अंडर योर आर्म, और हाँ मैं ये तुम्हें हमेशा एक बुक के साथ देखती हूँ, इसके ये तुम्हारे आर्म के अंदर में दबी हुई होती है। एडेड अल्सा, वॉट इज़ द वन यू आर रीडिंग, क्या यही बुक है जो तुम पढ़ रहे हो। ए बुक ऑन जियोलॉजी, ये एक बुक है जियोलॉजी पे। जियोलॉजी होता है जो ए साइंस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जो ज़मीन के बारे में, अर्थ के बारे में जो साइंस है जी, ये धरती कैसे बनी, तो इसे जियोलॉजी है। तो जियोलॉजी रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट। तो एल्सा ने कहा कि जियोलॉजी रॉक एंड थिंग्स, ये जो चट्टाने और ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में, तो क्या ये तुम पढ़ते हो वहाँ स्कूल में। नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, नहीं हमारे स्कूल में, अल्बर्ट ने रिप्लाई किया कि नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, हमारे स्कूल में तो साइंस मुश्किल से ही है। देन वाई आर यू स्टडिंग इट, फिर तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो। बिकॉज आई लाइक इट, इज़न्ट दैट ए गुड इनफ रीज़न, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिप्लाई किया, क्योंकि मुझे ये अच्छी लगती है, मुझे इसे पढ़ना अच्छा लगता है। इज़न्ट दैट रीज़न दैट ए गुड इनफ रीज़न, क्या ये रीज़न काफ़ी नहीं है। एल्सा साइड, एल्सा ने भी एक लंबी सांस ली। यू आर राइट ऑफकोर्स अल्बर्ट,
उसने कहा कि तुम सही हो, ऑफ कोर्स अल्बर्ट, शी सैड, बट इट वॉन्ट हेल्प यू विद योर डिप्लोमा, पर यह तुम्हारा डिप्लोमे में कोई मदद नहीं करेगी, या डिप्लोमा लेने में, सर्टिफिकेट लेने में तुम्हारी इससे कोई हेल्प नहीं होगी। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस इज ओनली कम्फर्ट वॉज म्यूजिक। अब साइंस की बुक्स थी, इनके अलावा इसका जो ओनली कम्फर्ट था यानी जो इसे आराम देती थी चीज़, वो म्यूजिक थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन को साइंस के अलावा म्यूजिक अच्छा लगता था सिर्फ। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क हिम टू स्टॉप। और वो अपनी जो वायलिन थी उसे रेगुलरली बजाया करते थे जब तक कि उनकी जो लैंडलेडी थी, जो ऑनर थी उनकी, वो उन्हें स्टॉप करने के लिए नहीं पूछती थी या स्टॉप करने के लिए नहीं कहती थी कि इसे बजाना बंद करो। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, ये जो चीखना चिल्लाना है ये तो मेरा दिमाग ख़राब कर देता है या मुझे परेशान कर देता है, गेट ऑन माई नर्व्स, या मुझे इससे काफ़ी चोट पहुँचती है। वेलिंग होता है स्क्रीमिंग लाउड, कोई लाउड शोर हो, नॉइस हो काफ़ी तेज़ आवाज़ में। दैट वेलिंग गेट ऑन माई नर्व्स, तो ये वेलिंग्स तो मेरी नर्व्स को पीड़ित कर देती, यानी जो मेरी अंदर की नर्वस सिस्टम है जो उसे ख़राब करती है। शी सैड देयर इज इनफ नॉइस इन दिस हाउस, इस घर में तो पहले ही बहुत शोर है। विद ऑल द किड्स हॉलिंग, हॉलिंग मीन्स होता है शाउटिंग या तेज जो शोर होता है, स्क्रीमिंग शाउटिंग। देयर इज इनफ नॉइस इन दिस हाउस, इस घर में तो पहले से ही बहुत शोर है। विद ऑल द किड्स हॉलिंग, ये जो बच्चे हैं ये चिल्लाते रहते हैं। अल्बर्ट वॉज टेम्पटेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज शी हू मेड देम हॉल। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये उन्हें बताने का प्रयास किया, टेम्पटेड मतलब उनकी इच्छा थी ये बताने की, उन्होंने ट्राई किया ये बताने का, पॉइंट आउट करने का, कि ज़्यादातर समय तो वही हैं यानी जो उनके मकान मालिक हैं वही उन बच्चों को मजबूर करती रहती हैं शोर मचाने के लिए। बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग, पर उन्होंने ये डिसाइड किया कि कुछ ना कहना ही ठीक होगा, ये बात नहीं कहनी चाहिए। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर, ही टोल्ड यूरी, उन्होंने यूरी से कहा कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आफ्टर सिक्स मंथ अलोन इन मुनियक इट इज़ अब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस। अब छः महीने मुनियक में, अब्सर्ड मीन्स होता है फुलिशली या रिडिकुलसली, तो छः महीने मुनियक में रहने के बाद में इट इज़ अब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, तो ये काफ़ी फुलिश होगा कि मैं इस तरीके से चलता रहे, इस तरीके से चीज़ें चलती रहें। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरीवन्स टाइम। और एट द इन द एंड, और जब ये सब एंड होगा या बाद में, इट विल टर्न आउट, ये सब ऐसे टर्न आउट होगा या ऐसे पता चलेगा कि आई हैव बीन, कि मैं अपने जो पिता है उनका पैसा ख़राब कर रहा था, एंड एवरीवन्स टाइम, और सब जो दूसरे लोग हैं उनका समय ख़राब कर रहा था। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ, ये सबके लिए ठीक होगा अगर मैं यहीं पर बंद कर दूँ इसे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो यूरी से कह रहे हैं कि आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आफ्टर सिक्स मंथ अलोन इन म्यूनिक, छः महीने अकेला म्यूनिक में रहने के बाद, इट इज़ अब्सर्ड, ये फुलिश है, एंड आई शुड गो ऑन लाइक दिस, कि इसी तरीके से मैं काम चलाता रहूँ, यानी इसी तरीके से स्कूल जाता रहूँ बिना कुछ सीखे, बिना कुछ इंटरेस्ट के। इन द एंड इट विल टर्न आउट, और बाद में ये बात पता चलेगी कि आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरीवन्स टाइम, तो बाद में ये बात पता चलेगी कि मैं अपने जो पिता हैं उनका पैसा बर्बाद कर रहा हूँ और सबका टाइम ख़राब कर रहा था। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ, ये सबके लिए अच्छा होगा अगर ये मैं अभी इसे बंद कर दूँ। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क, और यूरी ने पूछा कि इसके बाद में तुम क्या करोगे फिर। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इफ़ आई गो टू मिलान, यदि मैं मिलान जाता हूँ, आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक, मुझे डर है कि मेरे पिता मुझे वापस भेजेंगे। अनलेस हिज आईज ग्लिम्ड विद ए सडन आइडिया, अनलेस मीन्स जब तक कि हिज आईज ग्लिम्ड मीन्स होता है कोई चमक आ जाना या शाइन कर जाना, तो उनकी आंखें चमकने लगी एक आइडिया के साथ में, विद ए सडन आइडिया, अचानक से उन्हें एक आइडिया आया। यूरी डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स, उन्होंने यूरी से कहा कि क्या यूरी, क्या तुम्हें कोई फ्रेंडली डॉक्टर के बारे में जानती हो तुम किसी, यानी कोई डॉक्टर हो तुम, किसी डॉक्टर को जानती हो। आई नो ए लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, मैं काफ़ी मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ। यूरी हैन का जो दोस्त है उसने कहा कि आई नो ए लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट, मैं काफ़ी मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ, एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, और उनमें से कुछ हैं वो फ्रेंडली हैं, सेड यूरी। यूरी ने कहा, डॉक्टर नो, आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन, वाई,
फिर यूरिन ने कहा कि डॉक्टर नो, नहीं मैं डॉक्टर को नहीं, किसी डॉक्टर नहीं है उनमें से कोई भी, मैं किसी डॉक्टर को नहीं जानता। आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन, वाई, मेरे पास कभी भी इतने पैसे नहीं रहे कि मैं एक रियल डॉक्टर के पास जाऊँ। क्यों? जो यूरी है वो पूछ रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन से कि क्या बात हो गई, क्यों पूछ रहे हो तुम डॉक्टर के बारे में। सपोज सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा कि सपोज करो दैट आई हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, कि मुझे एक नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, यानी मेरा जो सिस्टम है अंदर का दिमाग ख़राब हो जाए, या कोई भी मेरा जो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए। सपोज ए डॉक्टर वुड से इट्स ए बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल, और सपोज करो कि डॉक्टर कहे कि मेरे लिए स्कूल जाना ख़राब है या मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए, एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और मुझे इससे अलग किया जाना चाहिए। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उन्होंने यूरी से कहा है कि सपोज करो दैट आई हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, कि मेरा जो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, यानी मेरा जो तंत्रिका तंत्र है वो ख़राब हो जाए। सपोज ए डॉक्टर वुड से इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल, और एक डॉक्टर ये बात कहे कि मेरा स्कूल जाना ख़राब है, एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और मुझे इससे दूर किया जाना चाहिए, यानी स्कूल भेजना बंद करना चाहिए। आई कांट अमेजिन ए डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। यूरी ने कहा कि मैं ये सोचता कि डॉक्टर ऐसा कहेगा, कोई भी डॉक्टर ऐसी बात कहेगा। आई मस्ट ट्राई, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए इस बारे में ज़रूर, टू फाइंड ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन नर्वस, ऐसे डॉक्टर को ढूंढने में जो नर्वस सिस्टम है जिसका स्पेशलाइजेशन हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम। अब यूरी ने उनसे कहा कि यहाँ पे तो काफ़ी सारे हैं ऐसे डॉक्टर। ही हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, और वो कुछ सेकंड के लिए हेजिटेट किया, यानी कुछ सेकंड के लिए वो हिचकिचाया, एंड देन एडेड, और उसके बाद में उसने ऐड किया कि रेदर रेलकंटली मीन्स होता है अनविलिंगली, यानी उसकी कोई इच्छा नहीं थी ये बात कहने की। रेदर रेलकंटली आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट इफ दे नो वन इफ यू लाइक, कि मैं कुछ स्टूडेंट से ये बात पूछ सकता हूँ कि वो किसी डॉक्टर को जानते हैं अगर तुम ऐसा चाहते हो। विल यू? ओ थैंक यू यूरी। अल्बर्ट आई वर शाइनिंग, तो अल्बर्ट की आंखें चमकने लग गई, और उन्होंने कहा कि तुम पूछोगे? ओ तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद यूरी, तुम ये डॉक्टर के बारे में पूछोगे इसलिए। वेट ए मोमेंट, आई हैवेंट फाउंड वन येट। यूरी ने कहा कि एक बार के लिए रुको, मैंने अभी कोई डॉक्टर ढूंढ नहीं लिया है, या मुझे अभी कोई डॉक्टर मिला नहीं है कि तुम इतना खुश हो रहे हो। ओ बट यू विल, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि नहीं पर तुम ढूंढ दोगे, एंड इफ आई डू आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। यूरी कह रहा है कि अगर मैं कोई डॉक्टर को ढूंढ भी लेता हूँ तो मैं नहीं जानता, आई डोंट नो कि वो तुम्हारी कोई मदद करेगा, ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू, या वो तुम्हारी मदद करने की कोई उसकी इच्छा हो। ही विल डिक्लेयर्ड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा नहीं वो करेगा, मदद करेगा वो। आई एम गोइंग टू हैव ए रियल नर्वस ब्रेक डाउन टू मेक इट ईजियर फॉर मी। अब मुझे तो अब अभी से नर्वस ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी मैं कुछ कुछ फील कर रहा हूँ नर्वस ब्रेक डाउन होना। टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, ये उसके लिए ईजी हो जाएगा फिर। ही लाफ्ड मेरिली, अब वो खुशी से हंसा। अल्बर्ट आइंस्टाइन है, वो खुशी से मेरिली मीन्स होता है हैप्पीली, लाफ्ड तो वो खुशी से हंसे। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क यूरी। यूरी ने कहा कि मैंने तुम्हें इससे ज़्यादा कम नर्वस कभी नहीं देखा है। ए डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, अल्बर्ट अश्योर्ड हिम। अल्बर्ट ने उसे अश्योर किया कि एक दो दिन स्कूल जाऊँगा तो ये सब ठीक हो जाएगा, या एक दो दिन स्कूल के दिन है जो वो इसे ठीक कर देंगे। तो यहाँ अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने फ्रेंड यूरी से कह रहे हैं कि वो किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हैं जिसका स्पेशलाइजेशन हो नर्वस सिस्टम में, और वो उन्हें बता सकें कि, या वो उनके लिए ये बात कह सकें कि इन्हें स्कूल जाना बंद कर देना चाहिए, इनको नर्वस बैकग्राउंड हुआ है अल्बर्ट आइंस्टाइन को, जिससे कि उनका स्कूल जाना बंद हो जाए। तो यहाँ पे यूरी कह रहा है कि वो उनके कुछ फ्रेंड्स हैं मेडिकल फील्ड में, वो उनसे बात करेगा कि वो किसी डॉक्टर को जानते हैं। तो इस बात से अल्बर्ट आइंस्टाइन काफ़ी खुश हो गए हैं, एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर इन नेक्स्ट वीडियो।